हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ पैनासोनिक वर्सेस गोदरेज 1.5 टन 3 स्टार एसी। कंपैरिजन में देखिए डिज़ाइन क्वालिटी किसके अंदर बेहतरीन देखने को मिल जाती है, एरिया ऑफ कूलिंग किसके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगा, साइज़ किसका कितना देखने को मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी यूसेज कितना देखने को मिलता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस फ्री है या फिर कोई पे करना पड़ेगा, नॉइस कितना आएगा, ऑटो स्टार्ट का ऑप्शन दिया है भी कि नहीं, स्मार्ट फीचर इसके अंदर है भी कि नहीं, ऑटो क्लीन का फीचर देखने को मिलता है भी कि नहीं, कौन सी वाली इन्वर्टर कंफर्टेबल देखने को मिलेगी, वारंटी कितने ईयर की देखने को मिल जाती है, वो सारी चीज़ें। तो आप इस सोचो अच्छी सी एसी बाय करने के लिए आपका बजट अराउंड 27,000 रुपीज़ के करीब है, तो गोदरेज वाली आपको देखने को मिल जाएगी 27,990 रुपीज़ के। अमेजोन पे डिफरेंट सेलर है, सेम एक 30-35 का सेल कर रहा है जो बेस्ट सेलर रहेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं पैनासोनिक वाली की बात करें तो आपको देखने को मिल जाएगी 32,990 रुपीज़ के अमेजोन पे, इसके भी डिफरेंट सेलर है, सेम एक 35-40,000 का सेल कर रहा है जो बेस्ट सेलर रहेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी सेम कंपनी में आपको 1 टन 2 टन में भी अवेलेबल है, इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो डिजाइन की बात करें पैनासोनिक वाली कंप्लीट आपको व्हाइट कलर में देखने को मिल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड में पैनासोनिक की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, राइट हैंड साइड में आपको इन्वर्टर कंफर्टेबल देखने को मिलता है, तो ये ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। साइज की बात करें 87 सेंटीमीटर कंप्लीट विड्थ देखने को मिलता है, 29.6 सेंटीमीटर कंप्लीट इसका लेंथ देखने को मिलेगा, 23.6 सेंटीमीटर कंप्लीट डेप्थ इसका देखने को मिल जाएगा। वही गोदरेज वाले की बात करें तो कंप्लीट आपको व्हाइट कलर में देखने को मिलेगा, बीच में गोदरेज की ब्रांडिंग है, इसके नीचे इन्वर्टर कंफर्टेबल ये भी देखने को मिल जाती है। और इसकी साइज की बात करें तो 97 सेंटीमीटर कंप्लीट इसका विड्थ देखने को मिलेगा, 23.5 सेंटीमीटर डेप्थ देखने को मिलता है, 30 सेंटीमीटर कंप्लीट लेंथ देखने को मिलेगा। और जैसे कि दोनों आपको 1.5 टन की देखने को मिलेगी, तो एरिया ऑफ कूलिंग की बात करें तो पैनासोनिक के अंदर 180 स्क्वायर फीट का एरिया आराम से कूल कर लेगा, वही गोदरेज वाले की बात करें 150 स्क्वायर फीट का एरिया आराम से कूल कर देगा। तो पैनासोनिक वाले के अंदर 10x18 फीट का रूम हो गया या फिर 10x20 फीट के रूम के लिए एकदम परफेक्ट है, वही गोदरेज वाला 10x15 फीट के रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। नॉइस की बात करें तो गोदरेज वाले के अंदर आपको 38 डीबी का नॉइस आएगा, वही पैनासोनिक वाले के अंदर आपको 39 डीबी का नॉइस आएगा। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज की बात करें तो दोनों के अंदर आपको 3 स्टार देखने को मिल जाता है। पैनासोनिक वाले के अंदर ईयरली 1000 यूनिट कंज्यूम होएगा, क्विक कूलिंग कैपेसिटी जो कि 5100 वॉट का देखने को मिल जाता है, वही 50% में 2550 वॉट का देखने को मिल जाता है पैनासोनिक वाले में। वही गोदरेज वाले के अंदर 965 यूनिट पर ईयर कंज्यूम होएगा, इसके अंदर कूलिंग कैपेसिटी 100% पे 4800 वॉट का है और 50% पे 2400 वॉट का है, जो कि थोड़ा सा आपको पैनासोनिक से कम देखने को मिलेगा। इंस्टॉलेशन की बात करें तो डिपेंड करता है आप कौन से एरिया में रहते हो, आप सिटी एरिया में रह रहे हो, सर्विस सेंटर पास में अवेलेबल है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्टॉलेशन मिल जाएगा, मे बी इक्विपमेंट का चार्जेस पे करना पड़ सकता है। आप गांव साइड एरिया में रह रहे हो, सर्विस सेंटर दूर है तो वहाँ आपको इंस्टॉलेशन का चार्जेस पे करना पड़ सकता है 1500 से 2000 रुपीस। कुछ फीचर जो कि गोदरेज वाले के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, पैनासोनिक वाले के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, एंटी डस्ट फिल्टर देखने को मिलेगा, सेल्फ डायग्नोस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, साइलेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, हैवी ड्यूटी कूलिंग जो कि देखने को मिलता है 52 डिग्री सेल्सियस तक बाहर का टेम्परेचर, तो भी दोनों एसी आराम से वर्क कर लेगी, दोनों एसी इन्वर्टर कंफर्टेबल देखने को मिलेगी। वारंटी की बात करें तो गोदरेज वाले के अंदर 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी पे वारंटी, 10 ईयर की एक्सटेंडेड कंप्रेसर पे वारंटी देखने को मिल जाती है। पैनासोनिक वाले के अंदर भी आपको 1 ईयर की प्रोडक्ट पे वारंटी, 5 ईयर की पीसीबी पे वारंटी, 10 ईयर की कंप्रेसर पे वारंटी देखने को मिलेगी। मोड्स की बात करें तो गोदरेज वाले के अंदर कंप्लीट 5 मोड देखने को मिलेगा, फर्स्ट मोड पे 110 कैपेसिटी पे एसी यूज होगी, सेकंड मोड पे 100% कैपेसिटी यूज होगी, थर्ड मोड पे 80% कैपेसिटी यूज होगी, वही फोर्थ मोड पे 60% कैपेसिटी यूज होगी, वही फिफ्थ मोड पे 40% कैपेसिटी यूज होगी। यही सेम मोड का फीचर आपको पैनासोनिक वाले के अंदर भी देखने को मिल जाता है। रिमोट की बात करें तो पैनासोनिक वाले के साथ में छोटा साइज का रिमोट आएगा जिसमें डिस्प्ले भी दी गई है, जिसके अंदर आपको फंक्शनलिटी टेम्परेचर वगैरह शो होगा। बटन्स की बात करें उसके अंदर इको का ऑप्शन दिया गया, ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया, स्मार्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, मोड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फैन स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हो, पावरफुल ऑप्शन देखने को मिल जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल का ऑप्शन जो कि बीच में एरो दिए हुए, एयर स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, स्लिप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले और क्लीन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, टाइमर सेट करना हो गया, ऑन ऑफ करना हो गया वो ऑप्शन देखने को मिलेगा, कैंसिल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक चेक और क्लॉक का ऑप्शन, लॉक का ऑप्शन और रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि रिमोट में। वही गोदरेज वाले रिमोट की बात करें तो इसके डिस्प्ले का साइज काफी बड़ा देखने को मिल जाएगा, बीच में पावर ऑन ऑफ का बटन दिया गया, एरो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, 5-in-1 कन्वर्टेबल जो कि मोड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, फैन स्पीड कंट्रोल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आई सेंस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्लिप का, टर्बो का ऑप्शन, टाइमर का ऑप्शन, क्लॉक ऑप्शन, टाइमर ऑन ऑफ, हाइजेनिक डिस्प्ले, वी स्विंग जो कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्विंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। सो दोनों के बारे में मैंने डिटेल में कंपेयर कर दिया, अब लास्ट में क्वेश्चन आता है दोनों में से कौन सा वाला बाय करना चाहिए। जो कि पैनासोनिक वाले के अंदर आपको एरिया ऑफ कूलिंग ज्यादा देखने को मिल जाता है 180 स्क्वायर फीट, कूलिंग कैपेसिटी पावर जो कि 5100 वॉट यूज किया गया पैनासोनिक वाले के अंदर, वही गोदरेज वाले के अंदर 4800 वॉट यूज किया गया, तो ये भी चीज आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो आपका बजट ज्यादा तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप पैनासोनिक वाले की ओर जा सकते हो, वही आपका बजट कम है तो गोदरेज वाला भी एक अच्छा ब्रांड है, इसके अंदर आपको 150 स्क्वायर फीट का एरिया कूलिंग देखने को मिल जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी कम आएगी एज कम्पेयर टू पैनासोनिक वाले से, तो ये चीज एडवांटेज आपको गोदरेज वाले में देखने को मिलता है। कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गोदरेज वाला आपको देखने को मिलेगा 27,000
9,990 रुपीज़ का अमेजोन पर डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मेरे को 30,000-35,000 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं पैनासोनिक वाला 32,990 रुपीज़ का अमेजोन पर इसके भी डिफरेंट डिफरेंट सेलर से मेरे को 35,000-40,000 का सेल करा, जो बेस्ट सेलर रहेगा उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी सेम मॉडल में आपको 1 टन 2 टन में भी अवेलेबल है, इनकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। तो आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा, वीडियो अच्छा लगा जाता तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और भी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।